हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हार्मोनिक एनालिसिस फोर ईयर। हार्मोनिक एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है हमें करने के लिए फोर ईयर में, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सो स्टार्ट करते हैं। फोर ईयर में आपको पता है एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफएक्स होता था और उसका हम फोर ईयर सीरीज लिख देते थे। अब वो कॉन्टिन्यूस होता था, बट क्या हो सकता है, इन मैनी इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स द फंक्शन मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस। क्या हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस ना हो, ये फंक्शन जो है एक डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ एक्स हो। मतलब आप जैसे ये वाला देखिए, यहां पर मैंने एक्स की वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वाई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बट इट इज अ डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पर मैं अपना जो फोर ईयर सीरीज का जो फॉर्मूला था वो यूज करके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, यहां पर मुझे कुछ और टेक्निक यूज करनी होगी। तो मैं क्या टेक्निक यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा हार्मोनिक एनालिसिस। यहां पर जब मुझे वाई का देना होगा फोर ईयर, तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो मेरा सेम रहेगा, 1/2 a0 प्लस सिग्मा 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा। अब आपके जो कोफिशियंट्स है ए नॉट ए एन बी एन, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूं। ए नॉट विल बी इक्वल टू 2/p सिग्मा आई इक्वल टू 1 से पी तक जाएगा और वाई आई। अब ये पी क्या है, पी इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मुझे ए नॉट सिर्फ इसके लिए निकालना होता तो मैं क्या करता, 2/4 और सिग्मा करता जाता वाई आई को, मतलब वाई 1 298 प्लस 356 प्लस 373 प्लस सो ऑन करके, और अपना आंसर ए नॉट निकाल लेता। सो दिस इज दैट सिंपल। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ए एन की तरफ। ए एन का मेरा फॉर्मूला बन जाता है 2/p सिग्मा आई इक्वल टू 1 से पी तक जा रहे हैं फिर से वाई आई। अब आपको क्या करना है, वाई आई मतलब यहां पर 298 जब फर्स्ट टर्म के लिए ले रहा हूं इनटू कॉस, यह एन ही है एन एक्स आई, मतलब कॉस एन एक्स आई। तो ये अब इधर यहां पर कॉस 30 फिर कॉस 60 फिर कॉस 90। अगर मैं ए वन के लिए चेक कर रहा हूं, ए टू के लिए चेक कर रहा हूं तो यहां पर कॉस 60 कॉस 120 कॉस 180, इस तरह से ये वैल्यूज आपकी बढ़ती जाएंगी, वो आप सीधा फॉर्मूले में अभी देखेंगे करके तो आपको समझ आ जाएगा। बी एन के लिए 2/p सिग्मा 1 से पी वाई आई अगेन साइन एन एक्स आई। सिर्फ ये करना है कि यहां पर आपका जो ए एन और बी एन है वहां पर एक्स आपका रोल प्ले करेगा, ए नॉट में आपका सिर्फ y का सिग्मा करके आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फिर इन वैल्यूज को जब मैं डाल दूंगा तो मेरा हार्मोनिक एनालिसिस से मेरा आंसर आ जाएगा। अब होता क्या है आपके क्वेश्चंस में, आपको बोला जाता है टिल आपको फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है या सेकंड हार्मोनिक निकालना है या थर्ड। तो फर्स्ट हार्मोनिक आपका बेसिकली इट इज ए वन कॉस एक्स प्लस बी वन साइन एक्स, दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक। सिमिलरली अगर कोई बोले सेकेंड हार्मोनिक, तो उसके लिए ए टू कॉस 2x प्लस बी टू साइन 2x। तो अगर मुझे इसी क्वेश्चन का अगर निकालना होता तो मैं कुछ नहीं करता, बस ए टू आप क्या करें टेब्यूलर में मेथड, इसको टेबल की तरह बना लें, एक्स वाई फिर एक कॉस एक्स का, क्योंकि कॉस एक्स चाहिए, फिर मुझे कॉस 2x कर लूंगा एक जगह पे, फिर बाद में उनको सब
सिग्मा करके इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं। चाहो तो आप एक एक करके सीधे स्टेपों में कर सकते हो या फिर आप टेबुलर मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन मेरा है, फाइंड द फर्स्ट टू हार्मोनिक्स फॉर द फंक्शन एफ थीटा विच इज गिवन एज दिस। थीटा की वैल्यू 0, 60, 120 चलती जा रही है 360 तक, और यहां पर थीटा की वैल्यू भी अलग अलग, एफ थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया था वाई इज इक्वल टू 1/2 a0 प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स होता है। ये जनरल आपका हार्मोनिक्स के लिए भी और आपका बेसिक था वहां भी यूज होता था फोरियर में। अब आपको करना क्या है, अब यहां पर क्योंकि थीटा दे रखा है तो आपको उसको वही कोरिलेट करना है एक्स और वाई को थीटा में। तो एफ थीटा मतलब ये मेरा वाई ही है, एफ थीटा विल बी गिवन एज इसका कैसे एक्सपेंशन 1/2 a0 हार्मोनिक्स में। और पहले ये चीज एक बार देखता हूं, तो ए वन कॉस एन अगर वन है तो थीटा प्लस बी वन साइन वन एक्स वन थीटा इस तरह से। ये मैंने आपको बताया था ये मेरा फर्स्ट हार्मोनिक। फिर उसके बाद ए टू कॉस टू थीटा प्लस बी टू साइन टू थीटा, ये मेरा सेकेंड हार्मोनिक। यहीं तक मुझे निकालने को बोला है, आगे भी निकाल सकता था बट आपको बस इस तरह से करके छोड़ देना है क्योंकि आगे भी एग्जिस्ट करेगा बट उसने फर्स्ट टू बोला है बस। तो मेरे को ये दो कैलकुलेट करके आपको फाइनल रिजल्ट में ये दो वैल्यूज दिखानी है। अब इसको करने के लिए अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को टेब्यूलर फॉर्म में बना लेता हूं ताकि मेरे को थोड़ी सी आसानी रहे चीजों को करने में। बाकी मैं ए वन की वैल्यू निकालूंगा, बी वन की वैल्यू निकालूंगा, ए टू की वैल्यू निकालूंगा और बी टू की वैल्यू निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा। एंड देन मुझे कॉस थीटा भी जरूरत है। आप देखिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो उस चीज को टेबल में आप कर लें। कॉस थीटा की मुझे जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, कॉस टू थीटा की जरूरत पड़ेगी और साइन टू थीटा। तो ये चीजें मेरे लिए टेबल में आ जाएंगी और ये चीजें मुझे निकालनी है जो मैं बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके। ए नॉट तो मेरा इसका एफ थीटा का समेशन ही आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिग्मा वाई ही होता है आपका। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको लगेगा कि 7 इसमें आपके एलिमेंट्स हैं बट 7 नहीं है इसमें, 6 ही है, 0.6, 60 यहां तक 300 तक, क्योंकि 360 वाली जो ये एलिमेंट है आपका जो ये फिगर दी हुई है ये, क्योंकि वो फंक्शन पीरियोडिक है यहां पर सेम आ जाएगा घूम के, तो मुझे एनालिसिस सिर्फ यहां से यहां तक के लिए करना पड़ेगा। तो इन 6 फिगर्स को लेके मैं एनालिसिस करूंगा। नाउ मैंने टेबुलेट करके लिख दिया है जी थीटा एफ थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब मुझे चीजें चाहिए थी मैंने बना दी। अब ये जो है आपको याद होगा ए नॉट इज 2/n, 1 से n तक जाएगी और सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई है अगर ए नॉट तो मैं डायरेक्टली फिर बता सकता हूं कि आएगा 2/6 क्योंकि 6 ही इंटरवल्स में ब्रेक हुआ है टोटल, सॉरी यहां 300 आएगा नॉट 360, 300 यहां रहा होगा और ये आपका आ जाएगा 2/n सिग्मा पूरा जो इसका सम आया है, सम अगर डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो 4.5 आया। ए नॉट की आपकी वैल्यू आ गई जो टोटल आई फाइनल 1.5, दैट विल बी योर ए नॉट। इसका जो सम आया वो आया था 4.5। अब कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा कॉस के साथ थीटा 0 यूज करूंगा, यहां से वैल्यू चेक करता जाऊंगा। कॉस 0 इज 1, साइन 0 इज 0, कॉस 2 थीटा अगेन मेरा 1 और फिर यहां पर 0। अब कॉस 60 मेरा 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 120 यहां पर कॉस 2 थीटा है तो कॉस 120 चेक करूंगा जो कि मेरा आता है -1/2। आप कैलकुलेटर से अगर आपको नहीं याद है तो सीधा कॉस
120 करें आपको वो -0.5 दे देगा, यहां पर भी कुछ डेसिमल में वैल्यू दे देगा, तो डेसिमल में वैल्यूज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद यहां पर √3/2 साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी वो। अब अगेन cos 120 की वैल्यू आपकी -1/2, cos 180 की वैल्यू आपकी -1, सीधा सीधा आप करके -1/2, 300 पे 1/2 वैल्यूज लिख ली। इसी तरह ये सारे फिल कर लेंगे, साइन थीटा भी, cos 2 थीटा में बस ये है 120 की जगह cos 2 थीटा तो 240 यूज करूंगा मैं, cos 240 यूज करूंगा, तो यहां पर ये वैल्यू इधर -1/2 आएगी। इसी तरह से ये आपकी टेबल्स भर जाएंगी। सो नाउ अब ये वैल्यूज पूरी करने के बाद मुझे यहां पर ये तो पता लग गया है, यहां पर थीटा मुझे पता लग गए हैं, मेरे को निकालने थे, जिससे मेरे को अब आगे A1 की वैल्यू निकालने में आसानी होगी। अब A1 की वैल्यू के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, A1 विल बी इक्वल टू 2/n, सिग्मा आपका चलेगा 1 से लेकर n तक, और f या फिर y cos x लिख लीजिए, या फिर f थीटा cos थीटा, जब इस क्वेश्चन में हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस तरह से देख सकता हूं। अब ये आपको करना है, ये कैसे करेंगे, A1 की वैल्यू आपकी आएगी 2/6, क्योंकि 6 इंटरवल्स में ये आपका पूरा ब्रेक है, 6 डिस्क्रीट आपके पास इंटरवल्स हैं। अब इसके बाद यहां पर आपको सिग्मा करना है, ऐड करना है f थीटा cos थीटा। अब इसको देखिए, इसको बहुत ध्यान से स्टेप को आप कीजिएगा जब एग्जाम में आप कर रहे हैं इसको करने के लिए। अब आप देखिए f थीटा इज 0.1, अभी A1 के लिए देख रहा हूं, cos थीटा की जरूरत है, अभी cos 2 थीटा की जरूरत होगी जब मैं A2 की वैल्यू निकाल रहा हूंगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, अभी सिर्फ cos थीटा की जरूरत है। 0.8 इंटू 1 दैट विल बी 0.8 ओनली, प्लस नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, 0.6 इंटू 1/2 ये हो गया 0.3। सारी जितनी भी टर्म्स हैं, अब जितनी भी हैं, उनको मुझे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अगेन 0.4 f थीटा cos थीटा नेगेटिव का है, नेगेटिव 0.2 आ गया, 0.7 -1 तो -0.7, अगेन 0.9 -1/2, -1/2 मतलब माइनस का 0.45 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मेरा 1.1 और हाफ, इसका हाफ हो गया 0.55 और ये प्लस का है तो 0.55, ये मेरा आंसर आ जाएगा A1 का। सो मेरा A1 कैलकुलेट करके आ गया 0.10। अब सिमिलरली B1 भी निकाल सकता हूं, B1 के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा साइन से, तो यहां पर फिर से 2/6 और यहां पर आएगा 0.6 इंटू √3/2, तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 0.3 √3। फिर से ऐसे ही आप करते जाएंगे, तो सिमिलर स्टेप, यहां से फिर ये मल्टीप्लाई, यहां से फिर ये मल्टीप्लाई, ये B1 आएगा। फिर से A2 के लिए आप क्या करेंगे, 2/6 ये इससे मल्टीप्लाई, देन ये इससे मल्टीप्लाई, देन ये इससे मल्टीप्लाई, और करते करते आप ऐड कर दोगे। B2 के लिए ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये सेम प्रोसीजर आपको लगाना है बार बार। अगर और भी आगे इसमें 3 हार्मोनिक्स तक पूछा होता तो और भी आगे करते, उन वैल्यूज को उठा के मैं अपने फंक्शन में डाल दूंगा f थीटा, और f थीटा को लिख दूंगा फाइनली f थीटा में, जो जो वैल्यूज मेरी आई हैं, जो मेरी वैल्यू सबसे पहले 1/2 A0 थी, A0 की वैल्यू मेरी 1.5 आई थी, 1/2 A0 प्लस A1 cos थीटा, A1 की वैल्यू मेरी आई 0.10 cos थीटा, B1 की मेरी वैल्यू आई है -0.29, ये आ गया
साइन थीटा प्लस, ऐसे ही करते करते सारी वैल्यूज निकालूंगा और अपना आंसर लिख दूंगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा।